एक क्वेश्चन आया, शाहबाज पूछ रहे हैं कि जिहादी अल्लाह के लिए लड़े तो आतंकवादी बोलोगे, और तुम्हारा अर्जुन कृष्ण के लिए लड़े तो वो भक्त। वाह, देखो महाभारत में लड़ने के कुछ नियम थे, कुछ कोड्स, युद्ध नियम, वॉर कोड्स, और ये कोड्स हमारे वेदों में भी मेंशन्ड है। ऋग्वेद में क्या बताते हैं कि एक वॉरियर नर्क जाएगा अगर इन नियमों का पालन नहीं करेगा लड़ते समय। कौन से नियम? एरो की टिप को पॉइजन नहीं करना है, बीमार और बूढ़ों पे अटैक नहीं करना है, बच्चों और महिलाओं पे अटैक नहीं करना है, और पीछे से तो बिल्कुल भी हमला नहीं करना है। तो हमारे शास्त्रों के वॉर कोड के अकॉर्डिंग युद्ध बराबरी के योद्धाओं से किया जाता है, और वो भी तब जब दूसरा व्यक्ति, दूसरा एनिमी अपने वेपन्स के साथ पूरी तरह से रेडी हो। जो रथ पे है वो रथ वाले से लड़ता है, जो हाथी पे है वो हाथी वाले से लड़ता है, जो सैनिक पैदल है वो पैदल सैनिक से लड़ता है। तो क्षत्रियों के वॉर कोड के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति से युद्ध नहीं किया जाता जो व्यक्ति निहत्था हो, और जो दुश्मन होते थे उनको भी उनकी ब्रेवरी, उनकी हिम्मत के आधार पर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी उनके मरने के समय पर। अब यहां पर आप एक बात बताओ, जिहादियों की युद्ध शैली देखी है कभी आपने? पूरी उल्टी है। मतलब वो पूरी ट्रेनिंग के साथ चलते हैं, उन्हें बॉम्ब्स मिलते हैं, गन्स मिलते हैं, सब कुछ पूरा लड़ना सिखाया जाता है, और उससे मारते किसको हैं? इनोसेंस को, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को। और कैसे मारते हैं? पीछे से, छुपकर, जब कोई रेडी ना हो, बिना वार्निंग दिए। आप महाभारत या रामायण से ना बस एक एग्जांपल बता दो जहां पर सिविलियंस पर अटैक हुआ हो, इनोसेंट सिविलियंस पर अटैक हुआ हो, बस एक एग्जांपल। पर ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में राक्षस का वर्णन नहीं है, मतलब हमारे पास भी एक से बढ़कर एक राक्षस रहे हैं, लेकिन वो सब राक्षस भी रीजनेबल है भाई। किसी का रीजन है एनवियसनेस, किसी का रीजन है भूख, कोई लालची है, कोई पावर हंग्री है, लेकिन जिहादी तो अलग ही लेवल पे है, इनका कुछ अलग ही सीन चल रहा है, ये पागलपन है। ये जिहादीज किसी को नहीं छोड़ते, चाहे इनके सामने कोई भीख मांगे, कोई हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए अपनी जान के लिए, इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे निहत्थों को मार के, इनोसेंट सिविलियंस को मार के कोई जन्नत नहीं मिलने वाली। हमारे सभी युद्धों से पहले एक युद्ध भूमि डिसाइड होती थी, और जब कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भी कौरव पांडवों पर हमला करने के लिए विराट राज्य में गए थे, तब उन्होंने मुगलों की तरह जाते ही इनोसेंट और निहत्थों सिविलियंस पर अटैक करना नहीं शुरू कर दिया था। उन्होंने ये मैसेज देने के लिए कि हम यहाँ पर लड़ाई युद्ध करने के लिए आए, पता है क्या किया था? वहां पर चढ़ती हुई गायों को चुरा लिया और बस अपने पास रखा, घायल नहीं किया, मारना तो खैर फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन बस उनको अपने पास रख लिया ये मैसेज देने के लिए कि हम यहाँ पर युद्ध करने आए हैं। और मुगल जब आते थे क्या करते थे, ये तो आपको पता ही होगा, आप हिस्ट्री बुक्स उठा के पढ़ सकते हो। हम आपको यहाँ पर ये सब नहीं बताएंगे कि कैसे महमूद गजनवी ने 11th सेंचुरी में लाखों लाखों हिंदुओं का इस कदर नरसंहार किया था कि उस पूरे इलाके का नाम हिंदू कुश पड़ गया। कुश मतलब स्लॉटर, जहां पर नरसंहार हुआ हो। हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि कैसे मोहम्मद गौरी ने 12th सेंचुरी में 17 बार भारत को इन्वेड किया था, और तब यहां पर आके क्या हाल मचाया था उसने, वो सब आप रीड कर सकते हो। और उस सब के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने उसे हर बार क्षमा किया। हम ये भी नहीं बताएंगे कि कैसे उसके बाद सभी मुगल रूलर्स ने कुतुबद्दीन, इब्राहिम लोडी, हुमायून, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आदिल शाह, हैदर अली, टीपू सुल्तान, सभी ने कैसे हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बना लिया, विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार बना लिया, औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाते थे। आप ये पूरी हिस्ट्री ना कहीं भी इंटरनेट पर कहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर हम मुगल्स के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर वीडियो बनाने बैठ गए ना, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन है ना कि मजाक नहीं कर रहा, यूट्यूब फट जाएगा। अब आप खुद बताओ, क्या ये जिहादी नहीं थे? इनकी भी कोई फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और आज के जिहादियों की भी नहीं है। बस एक ये आइडिया है कि हम सही हैं क्योंकि हम अल्लाह को डिवोटेड हैं, और सब गलत हैं और सब मरना डिजर्व करते हैं क्योंकि वो अल्लाह को डिवोटेड नहीं है। और दूसरी तरफ कृष्णा खुद क्या कह रहे हैं बैटलफील्ड पे, सुरदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का शुभचिंतक हूँ। आगे जो एनिमी पार्टी खड़ी है कौरवों की, मैं उनका भी शुभचिंतक हूँ। तो प्लीज समझो, कोई कंपैरिजन नहीं है। सनातन धर्म हमेशा हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है, हमलावरों को भगाने के लिए आपके हथियार मजबूत हो, आपकी भुजाएं शत्रुओं को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, आपकी सेना प्रतापी हो, दुष्ट न हो। तो भाई हमसे अटैक होता ही नहीं है, शास्त्रों ने सिखाया ही नहीं है हमें। और अटैक तो छोड़ो भाई, हमसे सेल्फ डिफेंस भी नहीं होता। ये तो पूरा हिस्ट्री में ही है, कैसे अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक पूरा भारतवर्ष था, और अब आप देख लो कितना सा रह गया। और चलो ये तो लॉन्ग रन का एग्जांपल है, इसे छोड़ो, आप अभी का रीसेंट एग्जांपल देख लो, दिल्ली में कैसे उस लड़के ने, साहिल ने, उसको लड़की को चाकू से गोद डाला था। वहां पर सब तमाशा देख रहे थे, सबको डर लग रहा था, अरे भाई हमारा तो मैटर है नहीं, हम कैसे बीच में कूद पड़े। अरे अगर डर भी लग रहा था तो वहां पर दुनिया भर की ईंटें पड़ी थी, 2-3 ईंटें ही उठा के मार देते। हिंदू का मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। अब आप एक बात बताओ, अगर फैमिली पे ऐसे कोई अटैक करेगा तो आप चुप बैठोगे क्या? तो बताओ हम कहां से हिंदू है? असली यूनिटी तो आप में है भाई, हमें तो आपसे सीखना चाहिए। अगर जस्ट इमेजिन, अगर
आपके इलाके में ऐसा कुछ हो रहा होता तो आप लोग क्या उस व्यक्ति को छोड़ते जो ऐसे अटैक कर रहा था? आप लोग तो गाड़ देते गाड़। तो भाई हम सब फर्जी हिंदू हैं, हिंदू होने का मतलब ही भूल चुके हैं। और टॉलरेंस तो इतनी है कि भारत में सेलिब्रिटीज अपने बच्चों का नाम तैमूर रखते हैं। तैमूर ने भी तो इंडिया को इन्वेड किया था, आप देख लो हिस्ट्री। एंड प्लीज प्लीज नो हेट टू सैफ अली खान, हम यहाँ पर बस अपने टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, दूसरे को हेटरेट देने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो भाई अकबर, जिसने बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ के बाद 40,000 अनआर्म्ड सिविलियंस का नरसंहार कर दिया था, उसमें भी अच्छा ही देखते हैं। अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते हैं। और क्यों देखते हैं अच्छाई? क्योंकि उसने एक बार वृंदावन में एक हिंदू टेम्पल बनाने की परमिशन दे दी थी। थैंक यू। और हमें जो हिस्ट्री बुक्स में अकबर द ग्रेट करके लेसन पढ़ाए जाते हैं वो अलग, तो हम बस शांति से जीना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। लेकिन बस एक चीज ये अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए ये वीडियो बनाया, कि क्षत्रियों में और जिहादियों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे टाइप कर रहे थे, लेकिन फिर कमेंट बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया।